हे दिस इज राबिया एंड आई एम बैक विद ई टॉप फाइव ड्रामाज ऑफ द वीक ये उन हफ्तों में से एक हफ्ता है जब टॉप फाइव ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है होता है हाँ सही बोला है मैंने बट फिर भी पाँच मिल गए हैं मुझे सो लेट स्टार्ट नंबर फाइव पे हमारे पास है बाईस कदम दिस वीक मुझे लगा एपिसोड थोड़ी सी ड्रैग थी लंबी थी और मुझे लगता है उसकी पेस ज़्यादा फास्ट हो सकती थी थोड़ा शायद हमें भी आदत नहीं है इतना लंबा देखने की और uh, तो मैं चाह रही हूँ ब्रैफ हो जाएँ चीज़ें सरप्राइजिंग आई एम गोना मिस बाइस कदम बट ये एपिसोड मुझे थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू वीक्स थोड़ी सी स्लो लगी सो नंबर फाइव पे आ गया है बाइस कदम फ्रॉम टॉप नंबर वो फोर पे हमारे पास है सीरियल किलर इस हफ्ते सीरियल किलर की दो एपिसोड्स आई और बहुत इंटरेस्टिंग थी बहुत मजे की थी हमें सबा कमर उसमें देखने को मिल रही हैं एज एस एस पी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा आई थिंक सारा सो डिफरेंट है इट्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन मर्डर मिस्ट्री है और डिटेल्स uh, जितनी उन्होंने बताई हैं और जिस तरीके से कहानी को सुनाया जा रहा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है आई एम होपिंग दैट इट विल स्टे इन आर टॉप फाइव फॉर सम टाइम बिकॉज इट्स अ रियली गुड ड्रामा नंबर थ्री पे हमारे पास है मन्नत मुराद मन्नत मुराद बहुत स्ट्रॉग जा रहा है विद कॉन्वर्सेशंस के क्या मन्नत का थप्पड़ बुरा था और क्या मुराद का थप्पड़ सही था क्या मन्नत और मुराद अपनी ईगोज़ में एक दूसरे को आ, से माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं? तो उसके अलावा घर वालों का क्या रोल है तो मन्नत मुराद एक ऐसा ड्रामा है जो स्टार्ट हुआ था कि मन्नत मुराद कैसे अपने घर वालों को राज़ी करेंगे एंड नाउ इट हैज़ टेकन अ कम्प्लीटली डिफरेंट टर्न वेर दर वेयर द फोकस इज़ ऑन द रिलेशनशिप एंड हाउ मियाँ बीवी की रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है फैमिली की वजह से तो टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं कॉन्वर्सेशन बड़ी थाट प्रोवोकिंग हैं अब हम मतलब मैं हर हफ़्ते वेट करती हूँ इस बार मुझे थोड़ा सा ये शिकवा है कि उसमें फ़्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा दिखाए विच आई फेल्ट Didn't नीड टू बी जब एक अच्छा ड्रामा जा रहा होता है तो उसमें फ़्लैश उसके ना मज़े को ख़राब कर देते हैं और इस हफ़्ते मुझे मदद मुराद में ये होते हुए नज़र आया नंबर टू पे जाने से पहले हम करेंगे कि येस yes, मैं सही मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई नंबर्स पे लेकिन सही जा रही हूँ नंबर टू पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ कासिम अली मुरीद फॉर जाने जहाँ सो so, जाने जहाँ की स्टोरी मुझे कोई नई नहीं, नहीं लगती लेकिन उसके स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन मुझे बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग लगती है अटेंशन टू डिटेल्स द कलर पैलेट द सिनेमाटोग्राफी द एस्थेटिक्स ऑफ द स्क्रीन आर वेरी वेरी प्लीजिंग एंड मस्ट मस्ट बी अप्रीशिएटेड जिस तरीके से उन्होंने पूरी यू नो स्टोरी के हर ट्विस्ट को इम्प्लीमेंट किया है एग्जीक्यूट किया है जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन दिखाते हैं वो कहीं भी कैरेक्टर को एक खास लेवल से ऊपर जाके टॉक्सिक नहीं होने दे रहे मतलब तो काफ़ी उसमें टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो अनबेरेबल टॉक्सिसिटी जो होती है वो मुझे नजर नहीं आ रही है इसी तरह जो हीरो hero हीरोइन है वो भी बड़े सटल जा रहे हैं यू you नो know, अभी तक कोई उनके कैरेक्टर को आपने अदर दैन फ्यू सीन्स जो मानूर के हुए कोई भी इतना ऊपर उभर के नहीं आया कि सिर्फ वो छा जाए जा बाकी ड्रामे के कैरेक्टर्स जो हैं वो नीचे चले जा जाएँ तो येस yes, स्क्रिप्ट को भी उसका क्रेडिट जाता है बट आई ऑल्सो फील हाउ द डायरेक्टर डायरेक्ट द एक्टर्स दैट ही Doesn't let one actor take over the entire cast is very, very important. And I think. आई सी दिस happening इन दिस ड्रामा और जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ना मुझे वो बहुत अच्छी लग रही हैं कासिम की एडिट में और कासिम की शूट में यू you नो know, जिस तरीके से एक सीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसमें कितनी वो डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं इवन इतना भी कि वो नज़र घुमा के जो देख रहा है या वो मुस्कुरा के जो देख रहा है एक कैरेक्टर दूसरे character को उसकी हैंड मूवमेंट या उसका जेस्चर वो भी बड़ा केयरफुली इसमें मुझे नज़र आता है डायरेक्ट हुआ हुआ और इसकी वजह से मुझे ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आ रहा है नंबर टू पे हमारे पास है जाने जहाँ जाने जहाँ की चार एपिसोड्स आ चुकी हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि साजिश की कहानी है और कोई मुझे उसमें नई चीज़ एज सच नज़र नहीं आई आई वॉज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि हम फिर वही यू नो टॉक्सिक मदर और स्टेप सन और भाई और एसो तेला भाई और उसकी टॉक्सिसिटी देख रहे हैं लेकिन मानूर का कैरेक्टर बड़ा एम्पावर्ड और बड़ा स्ट्रांग है सो so, जहाँ पे यूजुअली होता है हीरो आके हीरोइन को बचाता है यहाँ पे मुझे लगता है हीरोइन हीरो hero को बचाएगी वो भी अभी हम काफ़ी ड्रामों में देख चुके हैं लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे बाद शायद देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा नया लग रहा है ओवरऑल uh, कहानी इंटरेस्टिंग लगती है और बहुत तेज तेज़ी से कहानी चल रही है सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली अबाउट जाने उट इज द फास्ट पेस ऑफ द ड्रामा चार एपिसोड हो चुके तो बहुत कुछ हो गया है और आपको बहुत क्लियर अब डायरेक्शन नजर आ रही है कि किस जगह पे किस डायरेक्शन में ड्रामा जा रहा होगा सो so जाने जहां अभी तो नंबर टू पे लेट्स सी अगर वो नेक्स्ट कुछ वीक्स में भी हमारे टॉप फाइव में रहेगा या नहीं रहेगा नंबर वन पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल बेस्ट बेस्ट एक्टर मेल दिस वीक आई वांट टू गिव टू वहाज अली एंड अब्बास खान दोनों की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि मैं किसी एक को नहीं चूज़ कर पाई हूँ वहाज अली फॉर बाइस कदम एज जुनीद uh, पूरा वो जो सीन था जिसमें वो अपने खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं फिर गिरते हैं लेकिन वो आ, किसी और को अपनी मदद नहीं करने देते देन ही फाइनली स्पीक्स टू फरी वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड हार्ट वार्मिंग यू नो एट द सेम टाइम कि वो अब आप देख रहे हैं जुनेद का एक डिफरेंट यू नो रूप पहले जुनेद बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में था बहुत ज़्यादा यू नो पिटर था रिग्रेट्स उसके बहुत ज़्यादा थे रोंदू बहुत ज़्यादा मैं उसको बुलाऊंगी लेकिन अब पिछले दो एपिसोड से आप जुनेद को देख रहे हैं जहाँ उसने हिम्मत पकड़ी है तो वहाज ये

इस वाली एपिसोड में मुझे ये चीज़ डिफरेंट लगी कि अब तक हम फजल बख्श का थोड़ा सा फ़नी थोड़ा सा यू you नो know, वो यू नो सरफिरा वाला या मस्मलंग वाला एटीट्यूड देखते थे लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा कि शिबरा के जेल जाने से फजल बख्श के या शामिर के दिल पर क्या असर हुआ तो हमें एक सीरियस टोन नज़र आई बिलाल अब्बास खान की परफॉर्मेंस में एंड ऑल्सो द द टोन दैट आई सॉ इन हिज परफॉर्मेंस एंड हिज डिलीवरी वॉज डोंट टेक पंगा विद मी एंड दिस इज समबडी that आई दैट्स इंपॉर्टेंट टू मी जब वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं उसके अलावा भी जब वो शिबरा के साथ बात कर रहे हैं और वो पूरा जो सीन था वो भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है द वे ही कॉल्स हर and he finds आउट कि तुम ठीक हो कोई मसला तो नहीं है एंड जिस तरीके से वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हें बचा लूँगा तो वी सी अ वेरी वेरी डेफिनेट चेंज फ्रॉम फजल बामीर इन टू अन पर्सन जो इस वक्त बहुत अफेक्टेड है टू तो सी शिबरा

हु हैज़ अ वेरी डीप साइट टू हर सो कहीं भी हमें वो एम्पावरमेंट जो है वो बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए मुझे नज़र नहीं आती येस yes, लाउड जाती है जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा या उसके मुँह पे जूस फेंक दिया था उस जो बंदा उनकी बहन से बदतमीजी करता है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सटेंट उस मूड में रहें या कॉन्सटेंट उस मोड में रहें टू टू शो हर एम्पावर्ड पर्सनैलिटी जब वो अपने बाप से बात करती हैं शी रेज इज़ अ पॉइंट बट उनकी टोन डिफरेंट होती है एट द सेम टाइम देर इज़ दिस मानूर होज हु विशेज़ दैट देर इज़ समबडी जो उसको समझे जो उसको वैल्यू करे फॉर हर स्मॉल थिंग्स के दिया पेंट करना इम्पॉटेंट है कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है जिस तरह वो ड्रीम कर रही हैं जो उसके घर वालों के मसले मसाए हैं उनको उस रिस्पेक्ट और उस यू नो इम्पॉर्टेंस के साथ एक्सेप्ट uh, uh, करे जो वो और उनकी फ़ैमिली डिज़र्व uh, करती हैं तो ये जो बैलेंस लेके चल रही हैं ना आयजा ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है और उसकी वजह से मानूर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको uh, एकदम से आप कनेक्ट करते हैं आपको अच्छा लगता है एंड अगेन व्हाट आई रियली लाइक इट इसके दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जहाँ पे लड़की बस गिल गिगल कर रही है या मुस्कुरा रही है या फिर बस उस बहुत खूबसूरत लग रही है ब्यूटी शॉट्स हैं एंड देर इज़ नॉट मच मटेरियल टू द कैरेक्टर इट्स बट वी आर लाइकिंग इट बिकॉज शी इज़ द मेन लीड यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती मानोज कैरेक्टर एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ मटीरियल एंड डेप्थ टू हर पर्सनैलिटी नंबर वन पे हमारे पास है इश मुर्शिद आई होप ऑल द इश मुर्शिद फैंस आर हैप्पी टुडे ये एपिसोड मजे की थी इट ब्रॉट अ स्माइल एंड इट आल्सो मेड मी फील अ लिटिल बिट यू नो सेंटी के अच्छा भी ये सीन हो गया है वो जेल में चली गई या फजल बख्शा के बचाएगा कैसे बचाएगा क्या होगा आई डो हैव माई यू नो रिजर्वेशन अबाउट द स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ शिवराज शिवराज कैरेक्टर बट आई कैनॉट डिनाई दैट द ड्रामा इज़ फन टू वॉच इन मोस्ट ऑफ द सीन्स एंड इट डज मेक यू स्माइल एंड ऑफकोर्स फजल बख्शें शाम का वो जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और आपको मज़ा आता है देखते हैं देखने और आप बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं तो इश मुर्शीद इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉग एज ऑन नंबर वन दिस वीक ये मेरे टॉप फाइव ड्रामे थे आपके टॉप फ़ाइव में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं कॉमेंट्स में तो बताना मत भूलिएगा टेक केयर इन अल्लाह हाफ